ऑल राइट गाइस, गोप्रो सेटअप में आ गए तो फ्यूल भी काफ़ी है तो निकलते हैं। माँ बाय बाय टाटा। बहुत ही ऑफ रोड वाला रोड है गाइस, चेक करें मौसम बहुत बढ़िया, रास्ता चेक करें हमारा यहाँ का। थैंक गॉड गाइस बारिश नहीं है, एक दो बूंद तो गिर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली रीच स्कूल और ये बच्चे लोग हैं देखिए। तालिया। हमारे विप्लवदा यहाँ पे पेंटिंग करना शुरू कर दिया है, वॉल पेंटिंग। विप्लवदा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है देखिए। और यहाँ पे है मेडिकल टीम जो कि हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, बच्चों लोग का तो हो गया, अभी राइडर्स का भी चेकअप चल रहे हैं। इसलिए हम लोग रोइंग बोटने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉय फीजो, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद विक्रम। आप सब जहाँ भी होंगे ताबड़तो मस्ती कर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 6 बजे कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं पूरा फुल सेटअप में हूँ, पूरा गियर्स वर्स पहन के पूरा तैयार हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं महादेवपुर में, वहाँ पर प्रोग्राम है, इवेंट है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर जो मोटरसाइकिल क्लब है उन्होंने इनिशिएट किया है। एक तरह का चैरिटी राइड ही होगा जैसा हमने पागलम में किया था। तो अभी यहाँ से सीधा रोइंग निकलते हैं। सुबह उठते बहुत सारा बारिश दिया, बहुत ज़्यादा बारिश दिया सुबह, तो मैं सीधा निकलता है। यहाँ बाइक वैसा तैयार है, यहाँ पानी भरती था तो अपन झंडा भी लगा लिया यहाँ पे। चलो निकलते हैं, फिर मिलते हैं गोपुर सेटअप में सीधा। ऑल राइट गाइस, गोपुर सेटअप में आ गए तो फ्यूल भी काफ़ी है तो निकलते हैं। माँ बाय बाय टाटा। तो निकलते हैं, तो हमने पूरा गियर्स पहन लिया क्योंकि राइड में गियर्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है। बिना गियर्स के हम लोग जा नहीं सकते, और हम लोग गियर्स पहनना ही प्रमोट करते हैं सब लोग को। वाह भगवान जी, बारिश मत देना मुझे, रोइंग पहुंचने तो रोइंग में तो बारिश नहीं है। तो कल से शुरू है हमारे यहाँ सोलुंग, इट्स ए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो कि आदि ट्राइब का होता है। एक मई महीना को होता है और ये सितंबर को होता है। एक गाइस चेक करें मौसम बहुत बढ़िया, रास्ता चेक करें हमारा यहाँ का डामबुकटी बोमजीर का जो रोड है ना, बड़ा ही प्यारा है। टायर में थोड़ा ग्रिप कम आ रहा है, मैंने अपना फ्रंट और रियर के लिए टायर ऑर्डर दे दिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया आजकल। जब आएगा तो मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको कौन सा टायर लिया हूं मैं। छोटा सा ज़िंदगी है गाइस, आजकल आप देखते हो कुछ ही मिनटों में लोग का ज़िंदगी बदल जाता है। मैंने इस 3 सालों में अपने दोस्त अपने भाई बहुत लोगों को खोया है, तो लाइफ इज़ टू अनसर्टेन। तो जितना दिन हो भैया जी लो, क्या मिलेगा किसी से जल के, किसी से दुश्मनी करके, लड़ाई करके, भाई छोटा सा ज़िंदगी है, मस्ती से जियो और ख़ुद भी सेफ रहो, लोगों को भी सेफ रखने का कोशिश करो, और जितना भी पैसा कमाओ नीडी पीपल को हेल्प करो, चाहे दिखाओ ना दिखाओ सोशल मीडिया में, पर हेल्प करो, बहुत पुण्य मिलेगी। तो ये है बोमजीर ब्रिज। थैंक गॉड बस बारिश नहीं है, एक दो बूंद तो गिर रहा है। यहाँ पे क्राउड मूव कर रहा है पूरा, यहाँ पे अपना सारा बाइक्स लाइनअप हो गए, देख सकते हो। ये अपना सिमारी है, यहाँ पे तावे भैया को लेने आए थे, अभी यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे नमसई की ओर, तो चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी निकलते हैं ना यहाँ से, निकलते हैं अभी।
सो आवर जर्नी बिगिंस। अभी यहाँ से सीधा हम लोग चलेंगे नामसाई। फाइनली वी रीच गव हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर। यहाँ में सारे बच्चे देख सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके बैठेंगे। सारे राइडर्स का बाइक को यहाँ पे लाइन अप कर दिए हम लोग। तो ये स्कूल का जो वीपी सर है, शशि कुट्टन नैयर सर, हम बहुत पहले से उनको पहचानते हैं। तो सर भी वहीं पे जाएंगे, तो हम लोग सब राइडर्स लोग यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट रोड सेफ्टी के बारे बताएंगे बच्चों को। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे जहाँ हम लोग का डेस्टिनेशन है। तो अभी बच्चे लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट हो रहा है। ये मेन हॉल है मतलब। तो बाकी हमारे राइडर्स यहाँ पे, तो फाइनली अपना चीफ गेस्ट आ चुके हैं हमारे यहाँ के एसी सर। तो सर ही फ्लैग ऑफ करेंगे। हेटा देवी जी चीफ बफेलो क्रेज मोटरसाइकिल क्लब, जेपी मोहन लेगन विजय देव सर बीओ लेगन, अगस्ती नाथ सर एडवोकेट दीपक मोहरा चीफ ऑफ द रानी मूव मोटरसाइकिल क्लब, ब्रदर हेटा देवी चीफ ऑफ बफेलो रिस्पेक्टेड ईसी सर, ओसी सर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द डिग्निटरीज एंड ऑल माय ब्रदर्स फ्रॉम द बाइकिंग कम्युनिटी। हम इतना अच्छा, आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर थे, सो आई मस्ट बी मम्बलिंग ए बिट। जो बाइकिंग है हम लोग का पैशन है करना। हम लोग एज सच आप लोग का बहुत आप लोग यूट्यूब देखता हुआ कि जो बाइकिंग कम्युनिटी है वहाँ में हम लोग दारू पी के ऐसे फालतू घूमते रहते हैं, ऐसा बहुत अफवाह है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम लोग जितना भी है यहाँ में, जितना फ्रेटर्निटी का लड़का बैठा है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल। हर कोई अपना, हर कोई जॉब कर रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बैंक में है, सब बिजी आदमी है। हम लोग यहाँ इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ने सब अपना टाइम मैनेज करके आया है। तो बाइकिंग पैशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बाइकिंग करते रहेगा, ऐसा नहीं। हमारा अपना काम धंधा रहता है, हम लोग टाइम निकालता है क्योंकि ये हमारा पैशन है, इसके लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, निकाल के यहाँ में आया है। सो अभी यहाँ पे पेन डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं रूपम दास फ्रॉम माकुम, जिसने ये बैकग्राउंड किया। Oh,
फाइनली यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अभी हम लोग प्लांटेशन करेंगे, ये प्लांटेशन करके हम लोग फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से। और यहाँ के बच्चे सो गाइस फाइनली यहाँ पे प्लांटेशन हो गया। अभी हम लोग का फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगा। वी आर ऑल सेट टू गो। सारे राइडर्स गियर अप कर रहे हैं। और यहाँ पे ओसी सर, हमारे प्रिंसिपल सर और 60 किलोमीटर पर आवर का चीफ, वाइस चीफ, एसी सर, सब लोग फ्लैग ऑफ करने के लिए तैयार है। ऑल राइट, लाइन अप हो गया। अभी फ्लैग ऑफ हो रहा है आगे। सो फाइनली हम निकल गए हैं। यहाँ से राजा बिल जाएंगे। सो हमारे जो कन्वॉय है उसके आगे पुलिस की टीम है पूरा। हम उनको पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे हैं। बाइक का लाइन देख पा रहे होंगे। काफी लंबा लाइनअप है, पीछे भी काफी है बाइक। बहुत ही ऑफ रोड वाला रोड है। जैसे नामसा से इनाव जाने का रास्ता जो है वैसा ही कुछ है ये रास्ता भी। अंदर बस्ती में जा रहे हैं हम लोग, एकदम रिमोट एरिया में, जिसको राजा बिल बोलते हैं। वहाँ का मिडिल स्कूल के बच्चों लोग को कुछ डोनेट करने जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको ब्लॉग में कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चैरिटी ब्लॉग और ये सभी करूँगा, मुझे अच्छा लगता है। और मेरा पूरा राइडर्स कम्युनिटी भी पसंद करते हैं चीज़ों करने के लिए। प्लस हम लोग राइडिंग मैसेज भी शेयर करते रहेंगे अपने यूथ से, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव। और छोटे छोटे बच्चे लोग विदाउट लाइसेंस चलाते हैं, व्हीली मारते हैं बीच रोड में, जो कि करना नहीं चाहिए। विदाउट हेलमेट एंड गियर्स चलाते हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं हर जगह जाके। सो गाइस फाइनली वी रीच स्कूल। काफ़ी ख़तरनाक रोड है यार। वो एक ना गिरते गिरते बेचारे बच्चे लोग वेलकम कर रहे हैं। देखो ना इतना प्यारा से, मैं तो पूरा स्लीप हो गया था। ऑलराइट गाइस फाइनली रीच स्कूल। और ये बच्चे लोग हैं देखिए, इतना प्यारा प्यारा बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मेडिकल टीम आया हुआ है चेकअप करने के लिए। बाकी अपनों को पुलिस लोग एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं कुछ बच्चे देखिए वेलकम करने के लिए। इतना प्यारा तरीके से खड़ा था यहाँ पे। और सारा बाइक्स यहाँ पे लाइनअप।
तो हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जो मेडिकल टीम था हम लोग बच्चों का चेकअप कर लिया। अभी बच्चे लोग जो लाइन होके आएंगे, ठीक है, ये सब लेके आए बच्चों के लिए, कॉपी पेन पेंसिल इनको लाइन से इनको देंगे। काफी प्यारा प्यारा बच्चे आप देख सकते हैं। वन बाय वन आइए, नमस्ते कीजिए सर लोग को। वेरी गुड। तो यहाँ का इंचार्ज सर भी है और हमारा चीफ रनिंग वुल्फ्स के बफेलो ट्रेल्स के और हमारा तेजू का वाइस चीफ। आइए नेक्स्ट। आइए इतना प्यारा है। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी इंस्टॉल किया है, इसका उद्घाटन करेंगे हमारे चीफ्स पानी निकाल के। चलिए 1 2 3 तालियां। हाँ बढ़िया बढ़िया तालिया। सो मीनवाइल हमारे विप्लवदा यहाँ पे पेंटिंग करना शुरू कर दिया है, वॉल पेंटिंग। विप्लवदा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, देखिए कितना कूल बढ़िया से पेड़ बना रहे हैं। बच्चा चाहिए? दो तीन तो बच्चा लेगा। अच्छा गलत बात है। अच्छा वहाँ से बुला लेता ना। तो यहाँ से दो तीन बच्चों को ले जाते हैं, यहाँ से दो चार बच्चा आ जाओ, तो चार चार बच्चा आ जाओ, फोर एनी फोर, कोई फोर उसको रख दो वहाँ पे, कोई चारों आ जाओ, और एक आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जंगल कटिंग भी साथ ही साथ हो रहा है, ये भी हम लोग का क्लब का तरफ से करवा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो मशीन लेके आए थे वहाँ से कटिंग करने के लिए। तो जंगल कटिंग, ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन एंड बहुत सारा चीज़ें हो रहा है यहाँ पे, वॉल पेंटिंग भी हो रहा है। और यहाँ पे है मेडिकल टीम जो कि हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। बच्चों लोग का तो हो गया, अभी राइडर्स का भी चेकअप चल रहे हैं। तो अभी ये बच्चे डांस परफॉर्मेंस करेंगे। ओ बच्चे हैं, मैं आंटी लोग भी है, सब लोग मिलके, तो एक तरह का ट्रेडिशनल डांस है। ये है हमारे बीच हेडा लिंगी जी, चीफ है बफेलो ट्रेल्स मोटरसाइकिल क्लब। और हमारे फेलिसिटेशन हो रहा है अभी सबका, आपका बफेलो का सभी लोग एक एक करके आ जाइए, बफेलोस का एक एक करके आ जाइए। जय ना जय ना भाई चीफ। तो क्लब के चीफ की तरफ से डांस पार्टी को छोटा सा भेंट। बढ़िया आप सबने हमारे बीच जो ब्यूटीफुल सुंदर सा नीचे दिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Now, so it's high time for lunch. सब लोग बैठे हुए राइडर्स यहाँ पे. मेरा 60 किलोमीटर पर आवर क्लास की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर टीम एक्सटेंडिंग माय हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, थैंक यू. हाँ, जाएगा. आई सो बाय बाय. चलते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ, आई सो ना भाल के भाई वो. सो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया. अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से. पहले हम सब लोग नामसा ही जाएंगे, फिर नामसा से अलग अलग हो जाएंगे. सो फाइनली गाइस निकल रहे हैं यहाँ से. काफ़ी धूप हो गया. ये जगह में बहुत स्कीड होता है भाई, आराम से जाना पड़ेगा. बाय बाय. बाय बाय. बच गया रे, बच गया. आने का टाइम वहाँ पे स्किड हो गया था. हम तो अभी हम लोग को वाइस चीफ को फॉलो करना पड़ेगा. हमें मेरा चेन में भी बहुत आवाज़ कर रहा है. ऐसा ऑफ रोड वाला रास्ते पे हमेशा ल्यूव लेके चलना है गाइस. चलो आगे जाके मिलते हैं आप लोगों को. बैटरी भी डाउन हो गया. 3 hours later. सो गाइस फाइनली हम लोग रोइंग पहुँचने वाले हैं. काफ़ी बढ़िया राइड रहा. रोइंग से डिस्पर्स हो जाएंगे फिर हम लोग. तो सबको भी सी ऑफ करते हैं. चलिए मिलते हैं. गुड नाइट. नहीं मिलते ओके. मिलते गुड नाइट. बाय बाय. नहीं करेगा अलग ग्रुप में.